तीन समस्याएं। प्रथम हमारे जो शमशान घाट है वो नहीं है, लोग 20-20-30 इकट्ठे होकर के पटवारी के पास गए, मैं भी गया हूँ, अनसुनी कर दी, न जाने किसके दबाव में या कुछ कोई और राज है, या तो रिश्वत नहीं मिल पा रही, पूरे गांव वाले रिश्वत नहीं दे पा रहे उन्हें, या फिर भूमाफियाओं के दबाव में है, काम कर रहा नहीं नाप रहे हैं। अगर नप जाए तो पक्का शमशान घाट बन जाए और व्यवस्था वहाँ सही हो जाए। तो चुनाव को लेकर सभी ग्रामीणों ने क्या निर्णय लिया है? अभी चुनाव को लेकर के ये बात है कि यदि यहाँ समस्या काल नहीं होता तो संपूर्ण रूप से बहिष्कार होगा, कोई भी यहाँ वोट नहीं डाल देगा। पूरे गांव का एक मत है, एक सुर है। किसी एक पार्टी के लिए बहिष्कार है या सभी पार्टियों के लिए? सभी पार्टी के लिए। आते हैं वोट ले जा, 45 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं भी ऐसे देख रहा हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग वो भी ऐसे चले गए, भाई यहाँ काम होना चाहिए। जो निवर्तमान विधायक जी रहे हैं, क्या उन्होंने आपकी समस्या का अब तक कोई हल नहीं किया? बहुत बार गए हैं। मैं गया हूँ एक बार, कहा कि हमारा जो है संपर्क मार्ग करा दीजिए, कुछ उसका हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में लगता है, तो उन्होंने कहा कि मैंने योगी जी को फोन कर दिया, वो जो है कुंभ से पहले पहले बना देंगे। कुंभ भी चला गया, रास्ता बना नहीं है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।